इनका जो प्लान है वो दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक है। इस तरह से तो पूरी दिल्ली तहस नहस हो जाएगी। आप इन पे बुलडोजर चला के क्या करोगे? आप बुलडोजर चलाना है तो उनके घरों पे चलाओ ना, जिन्होंने पैसा कमाया। पहले तो खूब पैसा कमाया, किसी ने डीडीए की फ्लैट में बालकनी बनाई, इनके पार्षद ने पैसा खाया, इनकी जेई ने पैसा खाया। कहीं पे किसी ने झुकी बनाई, इनके डीडीए इनके जेई ने पैसा खाया। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सरकार में थी और इन्होंने इस दौरान वहाँ पे इनके पार्षदों ने इनके नेतृत्व में इनके वहाँ के कर्मचारियों ने खूब पैसा कमाया, जेईज ने खूब पैसा कमाया, पार्षदों ने इनके मेयरों ने खूब पैसा कमाया, खूब जम के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस अलाउ किए और अब जाते जाते अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस को हटाने के नाम पे पूरी दिल्ली को इन्होंने तहस नहस करने का एक पूरा प्लान बनाया। मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अनऑथराइज अनरेगुलर कॉलोनी जो हैं 1750 कॉलोनियाँ हैं दिल्ली में, और दिल्ली की अब भारतीय जनता पार्टी के प्लान के हिसाब से दिल्ली की 1750 कॉलोनियाँ पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये कच्ची कॉलोनियाँ हैं, क्योंकि ये अनऑथराइज हैं, क्योंकि ये अनरेगुलर हैं और यहाँ करीब 14 लाख परिवार रहते हैं, लगभग 50 लाख लोग रहते हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी अब इन सबको बेघर करेगी वहाँ पे, क्योंकि बुलडोजर की राजनीति करनी है इनको, क्योंकि इनको बुलडोजर चलाना है। दूसरा, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, 860 कॉलोनियाँ हैं झुग्गी झोंपड़ियों की, 860 कॉलोनियों में करीब 10 लाख झुग्गियों में लोग रहते हैं। बीजेपी अब वहाँ भी जगह जगह नोटिस देके बुलडोजर चलवा रही है, उनको भी तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 50 लाख लोग तो जो अनऑथराइज अनरेगुलर कॉलोनीज में रह रहे हैं उनको, और 10 लाख लोग जो दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे हैं, सबको बेघर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और तीसरा, इनके जो प्लान है उसमें ये है कि किसी ने अगर रेगुलर कॉलोनी में डीडीए के फ्लैट में इन्होंने किसी ने अपनी बालकनी बना ली, किसी ने अपना कमरा बना लिया, किसी ने ऊपर का फ्लोर बना लिया, वो सब भी इन्होंने इररेगुलर घोषित किया है। और इन्होंने करीब 3 लाख लोगों को तो नोटिस दे रखा है इस तरह का एक साल में, और इसमें भी करीब 5 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में लगभग 5 लाख लोगों ने अपने घरों में किसी न किसी तरह का ऐसा ऑल्ट्रेशन कर रखा है जो नगर निगम के हिसाब से इलीगल है। पिछले 2 साल में इन्होंने 3 लाख के करीब लोगों को नोटिस दे रखे हैं। ये सब अब धीरे धीरे ये तोड़ रहे हैं। पहले तो खूब पैसा कमाया, किसी ने डीडीए की फ्लैट में बालकनी बनाई, इनके पार्षद ने पैसा खाया, इनकी जेई ने पैसा खाया। कहीं पे किसी ने झुकी बनाई, इनके डीडीए इनके जेई ने पैसा खाया, इनके पार्षद ने पैसा खाया। कहीं पे अनऑथराइज प्लॉट कटे कॉलोनियों में, वहाँ पे इनके पार्षदों ने पैसा खाया, 17 साल में इनके जेई ने पैसा खाया, इनके अफसरों ने पैसा खाया, इनके नेताओं ने पैसा खाया, मेयर्स ने पैसा खाया, और अब सबको ये तोड़ने पर लगे हैं। तो इनका जो प्लान है वो दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक है। इस तरह से तो पूरी दिल्ली तहस नहस हो जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहूँगा कि उच्ची राजनीति के तहत इस तरह की हरकतें मत करो, बल्कि अगर आपको कुछ करना ही है तो सबसे पहले उन पार्षदों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो जिनके इलाके में ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुए। सबसे पहले उन जूनियर इंजीनियर्स की, उन मेयर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो जिनके टेन्योर में ये जो अनऑथराइज इररेगुलर कॉलोनी है जिनके टेन्योर में वो बनी। आप इन पे बुलडोजर चला के क्या करोगे? आप बुलडोजर चलाना है तो उनके घरों पे चलाओ ना, जिन्होंने पैसा कमाया इनकी वजह से, जिन्होंने इन लोगों को अलाउ किया। आपको बुलडोजर चलाना है तो उन लोगों पे चलाओ जिन्होंने झुग्गियां बसने दी। आज झुग्गियों को क्यों तोड़ते हो? दिल्ली सरकार सीरियस कदम उठा रही है इस समय कि जहां झुग्गी वहां मकान दिए जा सके लोगों को, और ये बुलडोजर चलाने चल रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों ने अपने अपने पक्के मकानों में फ्लैट्स में कोई ऑल्ट्रेशन किया, कोई बालकनी बनवा ली, कोई कमरा बनवा लिया, तब तो आपका जेई पैसा खा गया, तब तो आपके पार्षद और मेयर ने पैसे खाए, और अब आप उसके ऊपर बुलडोजर चलाओगे? तो पहले तो उसका घर पर बुलडोजर चलाओ ना, अपने पार्षद के यहाँ पे। तो मैं
इनसे यही कहना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि इस तरह की हरकतें ना करें। बुलडोजर चलाना है तो उनके घर चलाएं, बीजेपी जाते जाते नगर निगम से इस तरह की हरकतें ना करें। सबको समय समय पर नोटिस देते हैं क्या एमसीडी के ये अधीन है कि किसी भी अवैध कॉलोनी जिसको आप और केंद्र सरकार दोनों समय समय पर ये कह रहे कि हम लोग अवैध करने जा रहे हैं उसको तोड़ सकती है एमसीडी के पास इतना अधिकार है? तो एमसीडी नोटिस तो इन्हीं को दे रही है ना चारों तरफ, जो इसीलिए मैंने कहा पिछले दो साल में रोकने के तोड़ने के नोटिस, तोड़ने तक के नोटिस इन्होंने खूब दिए हुए हैं लोगों को, और अब कहीं भी उठा के बुलडोजर चल देते हैं। पिछले दो साल में इन्होंने खूब सारे नोटिस दे रखे हैं और इसी तरह के लोगों को दे रखे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी की कॉलोनियों को दे रखे हैं इन्होंने, डीडीए फ्लैट में ऐसे लोगों को दे रखे हैं जिन्होंने कुछ छोटे, किसी ने छज्जा भी बढ़ा रखा है उसको भी नोटिस दे रखा है इन्होंने, और कल को चल रही थे बुलडोजर लेके उसके घर पे, या तो पैसा दो नहीं तो बुलडोजर लेके चल देते हैं। तो ये जो दबंगई चल रही है, ये जो पैसा वसूली चल रही है और साथ साथ में पूरी दिल्ली को तहस नहस करने का प्लान बन रहा है। एक तरफ तो आप कहते हो केंद्र सरकार की तरफ से हम इनको रेगुलराइज करेंगे, एक तरफ आप उनको नोटिस देके उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंचते हो, तो ये इस तरह के दोगले राजनीति क्यों कर रहे हो? आपको बुलडोजर चलाना है तो उसके घर पे चलाओ ना, जिसने पैसा खाया, जिस पार्षद ने। इसको लेकर सेंटर से बात करने के लिए अभी आप लोगों ने टाइम मांगा है या कुछ ऐसा है, क्योंकि यूडी के अंतर्गत या फिर मिनिस्टर से कुछ बात हुई है आप लोगों? नहीं, मैं उनको चिट्ठी लिख रहा हूँ।